हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 30, जो आई थिंक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी और आपको मज़ा आया होगा उसे करने में। चलिए आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 31, जो उससे भी ज़्यादा अच्छी है और आपको उसमें भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज नंबर 31 को। क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर थेम्सली ब्यूल आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट कॉल क्वार्क्स। इट मीन्स ऐसा कहा जाता है कि अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे एलिमेंट्स क्वार्क्स के बने हुए, ठीक है। बेसिकली बच्चा पार्टी, ये जो क्वार्क्स है वो अभी तक हमें 6 टाइप्स के मिल चुके हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के क्वार्क दिए गए हैं, अप एंड डाउन, बाकी टॉप बॉटम चार एंड स्ट्रेंज। कुल मिला के 6 टाइप्स के क्वार्क्स अभी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक है। नोट किया जाए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दोनों कुल मिला के 3 क्वार्क्स के बने हुए हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें 3 क्वार्क्स होंगे। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स द सो कॉल्ड अप क्वार्क्स, मतलब कि पहले क्वार्क्स को हमने कहा अप क्वार्क्स, और उसका चार्ज होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड वन इज अ डाउन क्वार्क्स, और उसका चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। टूगेदर विथ इलेक्ट्रॉन बिल्ट अप ऑर्डिनरी मैटर सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क्स कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो इन शॉर्ट, अगर मैं क्वेश्चंस को छोटे से सेंटेंस में समझाने की ट्राई करूं, तो हमें कहा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 3-3 क्वार्क्स के बने हुए हैं, बट हमें बताना है कि वो 3 क्वार्क्स कौन है। हो सकते हैं तीनों अप हो सकते हैं तीनों डाउन हो सकते हैं 2 अप 1 डाउन 1 अप 2 डाउन, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमें उसे डिराइव करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थोड़े से एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले एजम्पशंस ले रहा हूँ कि फॉर अप क्वार्क्स, या तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ अप क्वार्क्स, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ अप क्वार्क्स के लिए सिंबल यूज करने वाला हूँ n1, यानी कि नंबर ऑफ अप क्वार्क्स। और सिमिलरली फॉर डाउन क्वार्क्स, मतलब मैं डाउन क्वार्क्स के लिए भी एक सिंबल दे रहा हूँ, और वहाँ पे हम देते हैं n2। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे भी पूरे क्वेश्चंस में आपको n1 दिखेगा, तो आप समझ जाओगे कि n1 इज़ अ नंबर ऑफ अप क्वार्क्स एंड n2 इज़ अ नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स, ठीक है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चंस में हमें एक हिंट दी गई थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3-3 क्वार्क्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी कि n1 + n2 = 3, राइट बच्चा पार्टी। n1 + n2 = 3। अब प्रोटॉन होगा तो भी 3 का होगा, वो इन दोनों में से ही 3 बनेंगे, और अगर न्यूट्रॉन होगा तो भी 3 का होगा, इन दोनों में से 3 बनेंगे। तो हमारी कंडीशंस मिल गए n1 + n2 = 3। देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n2 = 3 - n1, राइट समझ में आया। तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला n2 का। तो जहाँ पे भी मुझे n2 मिलेगा, वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 - n1। इससे मैं ऐसा भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन n1 एंड n2। चलिए तो अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो हम बारी बारी से दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटॉन। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, या तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि प्रोटॉन है वो 3 क्वार्क्स का बना हुआ, या तो हम कहेंगे n1 जितने अप क्वार्क्स है, n2 जितने डाउन क्वार्क्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप सपोज मान लीजिए कि उसके पास n1 अप क्वार्क्स है, n2 डाउन क्वार्क्स है। अगर आप इसका मास ले लीजिए, इसका मास ले लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मास किसका बनेगा, प्रोटॉन का, राइट। तो पहला पोर्शंस क्या है, आप प्रोटॉन का मास ले लीजिए, अप क्वार्क्स का मास ले लीजिए, डाउन को मास ले लीजिए, और डिराइव कर लीजिए, आपको मिल जाएगा।
दूसरा एक तरीका है कि सपोज मैं लेता हूँ कि इसमें N1 अप क्वार्क्स है, N2 डाउन क्वार्क्स है, तो मैं इसका चार्ज लेता हूँ, इसका चार्ज लेता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, क्या मिल जाएगा? सपोज प्रोटॉन बन रहा है तो प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन बन रहा है तो न्यूट्रॉन का चार्ज, राइट बच्चा पार्टी? तो ये दो तरीके थे इसको सोल्व करने के, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे चार्ज वाला। क्यों चार्ज वाला? थोड़ा इजी रहेगा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि इजी क्यों रहेगा, ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोटॉन के अंदर N1 जितने अप क्वार्क्स थे और N2 जितने डाउन क्वार्क्स थे, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू N1, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, चार्ज ऑफ अप क्वार्क्स प्लस N2, सपोज N2 जितने डाउन क्वार्क्स होंगे तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क्स, राइट? चलिए, तो हमें पता है प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, यस, प्रोटॉन पे प्लस E जितना चार्ज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस E इज इक्वल टू N1। चलिए, चार्ज ऑफ अप क्वार्क्स, तो हमें पता है अप क्वार्क्स के ऊपर हमें चार्ज क्वेश्चन में ही दिया गया था, कितना था? प्लस 2/3E, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3E प्लस N2 चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क्स, तो डाउन क्वार्क्स पे कितना चार्ज था? -1/3E, राइट? चलिए, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम एक काम करते हैं, दोनों में से जो भी चीज कॉमन निकल रही है उसे निकाल देते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसमें से E/3 कॉमन निकलेगा, तो E/3 इज इक्वल टू N1 कॉमन निकाल लिया है, प्लस सॉरी ये 2 है वो 2 भी रहेगा, तो ये आया 2N1 प्लस, यहाँ पे ये जो प्लस था मैंने लिख दिया, बट यहाँ पर देखिए माइनस सिंबल है, तो ये हो जाएगा प्लस मिट के माइनस N2, राइट? अब क्या होगा, ई कैंसल, 3 चला जाएगा सामने की साइड, तो 3 इज इक्वल टू 2N1 माइनस N2, बट N2 इज इक्वल टू क्या है देखिए, 3 माइनस N1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -3 माइनस माइनस प्लस N1, राइट? तो 2N1 प्लस N1, और ये जो -3 है वो जाएगा सामने की साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 ये हो गया 6, ये हो गया 3N1, तो हम लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू 2, राइट? N1 इज इक्वल टू 2, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर N1 इज इक्वल टू 2 तो N2 इज इक्वल टू क्या था भाई, 3 माइनस N1 यानी 3 माइनस 2, तो N2 इज इक्वल टू 1, राइट? मतलब कि यहाँ पे N1 जो था वो दिखाता था अप क्वार्क्स, उसका मतलब यहाँ पे यानी कि प्रोटॉन के पास होंगे 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे N2 की वैल्यू मिली है 1। और सिमिलरली हम इसी पैटर्न को यूज करने वाले हैं न्यूट्रॉन के लिए, बट हमें उसके लिए एक न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड में जा रहा हूँ, कलर्स बदल देता हूँ, यस। चलिए, तो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, राइट? चलिए, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन की बारी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू N1 चार्ज ऑफ अप क्वार्क्स प्लस N2 चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क्स, ठीक है? समझ में आया, हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। ओके, चलिए, अब चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन, तो बच्चा पार्टी आपको पता ही होगा कि न्यूट्रॉन जो है वो एक्चुअली न्यूट्रल है, यानी कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 0, N1, चलिए वैल्यूज पुट करते, अप क्वार्क्स की वैल्यू कितनी थी, ग्रेट 2/3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज था, N2 डाउन क्वार्क्स के पास कितना था, -1/3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज था, तो वापस से इसे 0, यहाँ से कॉमन निकालते हैं E/3, यहाँ पे बच गया 2N1 माइनस N2, राइट? अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये 3 ऊपर जाएगा 0, ये नीचे जाएगा 0, तो यहाँ पे मिला है हमें 0,
इज इक्वल टू टू एन वन माइनस एन टू, बट एन टू की वैल्यू क्या थी, यस थ्री माइनस एन वन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे थ्री प्लस एन वन। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि एन टू इज इक्वल टू थ्री माइनस एन वन, राइट। अब ये जो माइनस थ्री उस तरफ जाएगा तो ये हो गया प्लस थ्री, टू एन वन प्लस एन वन, तो ये हो गया थ्री एन वन, और देयरफॉर एन वन इज इक्वल टू हमें मिलेगा वन। और अगर एन वन इज इक्वल टू वन है तो आप एन टू फाइंड कर सकते हो थ्री माइनस वन, तो एन टू इज इक्वल टू मिलेगा टू, राइट। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन में कितने अप क्वार्क्स होंगे, एक, और कितने डाउन क्वार्क्स होंगे, दो। यानी मैं आपको कुछ ऐसा भी सिखा सकता हूँ कि प्रोटॉन जो है उसका कॉम्पोजिशन होगा यू यू डी, राइट। इसका मतलब होता है प्रोटॉन के पास तीन क्वार्क्स है, यू यू डी का मतलब होता है अप, अप और डाउन। और सिमिलरली अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन के पास भी तीन क्वार्क्स है, बट वो है यू डी डी, यानी एक अप और दो डाउन, राइट बच्चा पार्टी। तो आई थिंक ये जो एक्सरसाइज नंबर 31 थी काफ़ी इजी रही होगी और एक्सप्लेनेशंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 32 के साथ। थैंक यू सो मच।